Bitch, I did it, I made it, I'm loved and I'm hated. I started from the bottom. Assalamu alaikum and welcome back another GTA 5 real life mod. और guys यार आज की वीडियो का कुछ सीन ऐसे है कि हमने कुछ बाइक्स वगैरह मंगवाई थी तो finally यार वो बाइक्स आ गई हैं क्योंकि हमने शुरू किए हुए फ्रैंकलिन के लिए अभी यार न्यू बल्कि यही समझो बिल्कुल न्यू हमने शुरू में स्टार्ट किया है और अभी तक हमारी यानी कि उसमें शोरूम में कुछ कोई भी माल वगैरह हमने नहीं डाला वो अभी मंगवाया है और थोड़े बहुत 70 मंगवाए हैं अभी इंशाल्लाह वो आ रहे हैं और उसको यार साथ साथ उधर हमने सेट करने हैं क्योंकि मैंने शुरू में कुछ यानी कि थोड़ी बहुत अपडेटिंग की है उसे कुछ ऑफिस वगैरह भी साथ में बनाया है असल में शुरू में इतना बड़ा नहीं है हमारा एक शॉप ही है लेकिन मैंने कहा चले यार बिज़नेस तो स्टार्ट कर लेते हैं साथ साथ इंशाल्लाह ग्रो होता रहेगा और एक छोटी सी शॉप थी उसमें हमने एक ऑफिस भी बनाया हुआ है और साथ में हमने यार एक इस तरह किया है कि उधर ही शोरूम के पीछे एक और यानी कि मार्केट थी वो मैंने आपको दिखाई थी और वो जिसने शोरूम वाली वीडियो देखी है उन्हें पता होगा जिसने देखनी हुई मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहाँ से जाके देख लेना और इस तरह हुआ है यार हमने क्या किया है वो जो पीछे मार्केट थी उसमें से एक हमने यानी कि वेयर हाउस भी ले लिया है गोदाम और उधर हम यार साथ रखेंगे बाइक्स वगैरह जितने ज़्यादा होंगी ना क्योंकि हमारे पास इस वक्त जगह कम है और बाइक्स हमने ज़्यादा मंगवानी है वैसे मैंने अभी थोड़ी मंगवाई है लेकिन हमने फिर साथ साथ यार ज़्यादा भी करनी होगी फिर हम इंशाल्लाह इधर लॉस एंजेलिस सिटी में भी कुछ जगह देख लेंगे शोरूम के लिए साथ साथ हम फिर इधर भी अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लेंगे पहले एक मंथ पर उधर ग्रो हो जाए ना फिर इंशाल्लाह इधर बिज़नेस स्टार्ट करना हमारे लिए आसान होगा एज़ कम्पेयर टू जो अब हमने क्योंकि अभी न्यू स्टार्ट किए तो इसी वजह से तो ये साथ साथ इंशाल्लाह सब कुछ होता रहेगा और ये टोयोटा प्रियस हमने बाय की थी फ्रैंकलिन के लिए तो इसकी अगर किसी ने वीडियो देखनी हुई तो इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहाँ से जाके आप इजीली देख सकते हो ये हमने थ्रू माइकल बाय की थी और माइकल भाई का एक दोस्त था उनसे बाय की थी और इसकी यार जो पेमेंट यानी कि बकाया थी वो सारे यार इसे हमने अदा करके गाड़ी अपने नाम पर करवा दी है गाड़ी फ्रैंकलिन के नाम पर हो गई है और है भी यार काफ़ी यानी कि अच्छी गाड़ी है और यार मैं साथ जो हमने कल वीडियो डाली थी जो GTA 6 का ट्रेलर तो यार उसमें सुनने में आ रहा है यार अभी कुछ रिलीजिंग कोई भी नहीं हुई ना ही उसकी कुछ डेट आई है लेकिन अलबत्ता यार इतना पता है कि 2021 में शायद वो प्ले स्टेशन के लिए रिलीज़ हो जाए और मैंने यार साथ में पूछा था कि GTA 6 की रिक्वायरमेंट PC रिक्वायरमेंट के लिए यानी कि मैं वीडियो बनाऊं कि ना बनाऊं तो मुझे कमेंट आए हैं कि इसी पे वीडियो बनाओ तो इंशाल्लाह यार मैं एक दो दिन तक उसकी वीडियो एडिट करके तैयार कर लूँगा या शायद क्या पता मैं कल ही डाल दूँ वीडियो और वेट करना उसके लिए इंशाल्लाह मैं उस पर वीडियो ज़रूर से बनाऊँगा अब आपने उसका इंशाल्लाह वेट करना है तो मैं साथ साथ यार हम कह रहे थे क्योंकि माइकल के शोरूम पे भी हमने कुछ गाड़ियाँ मंगवाई थी टोयोटा प्रियस 2020 का मॉडल मंगवाया था और इस वीडियो में मैंने कहा था कि मैं इस पर यानी कि फुल आपको रिव्यू दूंगा क्योंकि मैंने उस वक्त जब गाड़ियाँ उतार रहा था तो उस वक्त मैंने गाड़ी के इंटीरियर थोड़ा सा आपको दिखाया था वो कुछ थोड़ा से मैचिंग है लेकिन बाहर से गाड़ी की जो शेप वाइज गाड़ी अगर बात करूँ है यार सीडन गाड़ी है लेकिन उसकी ज़रा सा कुछ हिस्से यानी कि थोड़ी बहुत मैचिंग है लेकिन इतनी ख़ास नहीं है चलो भाई हटो यार आगे से रास्ता दो हटो इन्होंने वैसे नहीं हटना मुझे तो यही लगता है सब इन्हें पहले हटा दें फिर चलते हैं अब देखें अब सब भाग रहे हैं पहले एक भी नहीं हट रहा था अब सारे चले गए तो वैसे इन्हें हटाना पड़ता है यार क्या करूँ खफा नहीं होना फिर इनके लिए इस तरह की तदबीरें करनी पड़ती हैं तो हाँ यार मैं कह रहा था टोयोटा प्रियस 2020 का मॉडल उस पर रिव्यू देना है क्योंकि मैंने इस वीडियो में कहा था कि उस पर रिव्यू दूंगा इंशाल्लाह वो वीडियो भी मैं साथ में एडिट करके उसे मैं बिल्कुल रेडी करके रख लूँगा अब देखता हूँ तो अभी मैंने शोरूम पर साथ एक बंदा रखा हुआ है एज़ अ मैनेजर तो वो देखते हैं वो बाइक्स आई हुई हैं उसी ने मुझे कॉल की है कि फ्रैंकलिन भाई आप आ जाएं फ्रैंकलिन भाई तो नहीं वो तो अब मुझे बॉस बोलता है यार फ्रैंकल थोड़े दिनों में बॉस बन गए देखें यार अपने बिज़नेस का ये फ़ायदा है पता चला ना अब ये बिज़नेस ये चीज़ है तो मैं कह रहा था हाँ उसके पास हम जाते हैं देखते हैं कैसे यार 70 कुछ मैंने यार ब्लैक कलर में कहा थे मंगवाए थे और कुछ रेड कलर में थे
अब साथ साथ हमें यार अभी में अभी स्टार्टिंग है, अब पता चलेगा यार इस तरह इधर यानी कि लोग क्या चीज़ पसंद करते हैं। असल में हमारा बिज़नेस जितना भी डिपेंड होता है वो यहाँ के जितने भी लोग होते हैं उन पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या चीज़ हमें डिमांड करनी और हमने क्या चीज़ उनके लिए मंगवानी है। तो शायद ये ट्रक खड़ा है, यही होगा। हाँ तो गाइस ये देखो, ये साइड में मैंने कुछ शीशे वगैरह इस लगवाए थे और अंदर छोटा सा काफ़ भी बनवा दिया साइड में कस्टमर के बैठने की जगह। और ये जगह हमें जो पिछले मार्केट के ओनर हैं शकूर भाई, वो काफ़ी अच्छे हैं यार, उनसे हमने हमारी बात हुई, उन्होंने कहा खैर यार आप थोड़ा सा रास्ता रख के इधर अपनी बाइक खड़ी कर सकते हो। तो हमें यार ये भी चले जगह का मसला भी हमारा क्लियर हो गया है सारा। अब मैं अंदर चलता हूँ, पहले उस बंदे से बात करता हूँ, फिर उसके बाद यार ये ड्राइवर शायद कोई नहीं हो है। हाँ ये खड़े हैं। आप आ गए बॉस? हाँ यार मैं आ गया, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा यार। अच्छा अच्छा, तो वो बाइक्स वाला भी आए हुए हैं, बाइक्स में उतार रहे हैं। हाँ चलो यार मैं चल के तो देखता हूँ और बाइक वगैरह भी उतारता हूँ। तो गाइस पहले मैं बताऊँ यार, ये अंदर ऑफिस मैंने बनाया था, ये देखें कुछ एक दो सीट्स वगैरह और ये कस्टमर के यानी कि आप समझ सकते हो खाते वगैरह और हिसाब किताब वगैरह जितने भी क्लियर करने होते हैं वो सारे उसके लिए हमने रखी हुई हैं। तो चलो मैं बाहर चलता हूँ यार ड्राइवर के पास चल के देखते हैं। ये असल में कोई नहीं हुआ है, मैं ऐसे जानता नहीं हूँ, चले पहले इससे इसका नाम पूछता हूँ। चले इसके पास चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भैया, क्या हाल है? ठीक हो? हाँ शुक्र अल्लाह का। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरशद है जी। अच्छा अच्छा, चलें शुक्रिया अरशद भाई, आप आ गए। और ये बाइक लाई थी? हाँ जी ये मैंने लाई थी, ये उतार दें। हाँ शुक्रिया, चलो मैं उतार देता हूँ। चले गाइस मैनेजर अंदर ही है, तो बाइक्स वगैरह मैं खुद ही उतार देता हूँ। ये सारी तकरीबन कितनी बनती है अभी इधर समझ नहीं आ रही है, दो खड़ी हैं। हाँ दो, ये तकरीबन 8 बाइक्स हैं। चलें गाइस ये उतार दी हैं, तो ये 8 बाइक्स अब मैंने अरेंज करके यार सामने लगा दूँगा। तो शुक्रिया यार अरशद भाई। खैर यार शुक्रिया, कोई बात नहीं। तो उसने आपको किराया दे दिया था बंदे ने? हाँ वो मैंने अंदर से उनसे ले लिया था। तो होप गाइस वीडियो पसंद आई होगी आपको, तो वीडियो पसंद आई इसे लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं अब इन बाइक्स को अरेंज कर लेता हूँ एक मरतबा फिर देख लो, 4 ब्लैक एंड 4 रेड। तो इंशाल्लाह मिलेंगे न्यू इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।